मैं हूँ आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। सोनी के सीरियल पहरेदार पियाकी के रतन सिंह का किरदार 10 साल के अफान खान निभा रहे हैं। अफान का किरदार इस सीरियल में बहुत दिलचस्प है। क्या आप जानते हैं आखिर इस शो में अफान खान की एंट्री कैसे हुई, कैसे अफान की किस्मत उन्हें टीवी की दुनिया में ले आई? चलिए फिर हम आपको बताते हैं। दरअसल सीरियल पहरेदार पियाकी के किरदार रतन के लिए कई ऑडिशंस किए गए। इसके चलते 25 से ज्यादा बच्चों को रतन बनने का मौका दिया गया, जिसमें सबसे बेहतरीन अभिनय अफान का था। अफान आज की जेनरेशन है, इसलिए उनका उठना बैठना खाना पीना सब आम ही है। लेकिन इस दौरान उन्होंने रतन सिंह बनने के लिए अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया। इसी के साथ ही उन्होंने अपनी कई आदतें छोड़ी और रतन सिंह किरदार को जीने लगे। अफान ने रतन के किरदार में ढलने के लिए एक कड़ी मेहनत की है। इसके लिए बकायदा उन्हें ट्रेन किया गया है। इस काम के लिए ऐसे एक्सपर्ट की मदद ली गई जो राजपूतों के तौर तरीकों से पूरी तरह से वाकिफ थे। उन्होंने अफान को रतन बनने में पूरी तरह मदद की। एक्सपर्ट ने इस दौरान कहा है कि एक राजपूत की जिंदगी जीना जितना रोमांचक है उतना ही कठिन भी। उनके रुतबे और हाव भाव को अपनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक सच्चा राजपूत हजारों की भीड़ में भी अपने व्यवहार के कारण सबसे अलग पहचाना जाता है। इसी चीज का प्रशिक्षण अफान को दिया गया। ट्रेनिंग के दौरान अफान को बताया गया कि वो एक राजपूत का किरदार निभाने जा रहे हैं और उन्हें अब से सब रतन सा कहकर बुलाएंगे। वहीं अफान को रोजाना की भाषा जैसे मैं, तू, दोस्त, लोग, इस तरह के शब्द बोलने से मना किया गया। इसके बदले उन्हें अपने लिए हम शब्द का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। एक्सपर्ट रंजीत बन्ना ने इस दौरान अफान के रोजाना के तौर तरीकों को पूरी तरह से बदलना शुरू किया। सोनी टीवी द्वारा फेसबुक पर जारी किए गए एक वीडियो में बताया गया है कि ट्रेनिंग के दौरान एक बार अफान खान भोलेपन में रंजीत बन्ना से एक सवाल पूछते हैं। अफान पूछते हैं कि रंजीत बन्ना, ये राजपूत लोग रोबोट को क्या बुलाते होंगे? नन्हे अफान के सवाल का जवाब देते हुए रंजीत ने बताया कि वो उसे रोबोट ही बुलाते होंगे। इस दौरान वो अफान को कहते हैं कि आपने फिर राजपूत लोग कहा, इसे अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए। रंजीत बन्ना अफान को कई नई चीजें सिखाते हुए बताते हैं कि एक राजपूत की जिंदगी में बैलेंस होना बहुत जरूरी है, उसके लिए अभ्यास की बहुत जरूरत है। अफान का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने के लिए रंजीत बन्ना अफान के सिर पर किताबें रखवाते हैं और उन्हें बैलेंस बनाकर नाक की सीध पर चलने के लिए कहते हैं। इस दौरान अफान को ये भी बताया जाता है कि उठते सोते खाते पीते और चलते समय हमेशा अपनी पीठ सीधी रखनी चाहिए। आदत सुधारने के लिए अफान की कमर पर एक बॉल बांधी जाती है जो हमेशा उन्हें याद दिलाएगा कि पीठ सीधी करके चलना है। आज हमारे सामने अफान के रूप में जो रतन सा हैं, वो कड़ी मेहनत के बाद ही यहाँ तक पहुँचे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।